गुड मॉर्निंग दोस्तों और प्यारे किसान साथियों, मैं मंजर स्वागत करता हूं आप सभी का दिल्ली फ्रेश मार्केट में। 18 तारीख दिन सोमवार, केशवपुर मंडी। दोस्तों अभी मौजूद हूं केशवपुर टमाटर मंडी में। लाइव तस्वीर में देखेंगे आज क्या कुछ बाजार है, किस तरह का माहौल है, आज कितनी गाड़ी जो है मार्केट में ताजा आई है, कितनी बैलेंस है और क्या कुछ जो है टोटल मार्केट में अराइवल है जी, कल के मुकाबले कितनी गाड़ी लगी है, क्या कुछ रेटों में कल से तेजी मंदी है और इस समय जो है टमाटर का रेट जो है किस तरह का खुला हुआ है और ग्राहक की किस तरह का है। और दोस्तों देख सकते हैं आज कुछ इस तरह का भीड़ भाड़ देखने को मिला है और काफी जगह जो है खाली एरिया है जी। देखो यहाँ पे भी खाली है, यहाँ पे भी दो तीन गाड़ी लगता था, इधर भी गेट के पास भी तीन चार गाड़ी लगता था जी, और आगे भी जो है बीच बीच में खाली नजर आ रहा है। बाकी आज गाड़ी कम है कल से, तो देखते हैं आज का क्या कुछ माहौल बना है जी। बाकी इस समय देख सकते हैं कुछ इस तरह का भीड़ भाड़ देखने को मिला है। देखो ये बार जूम करके भी दिखाता हूँ आप सभी को। दोस्तों अभी मौजूद हूँ केवीसी टमाटो कंपनी में, सर के पास जो है देसी टमाटर आया जी। बाकी डेली जो है दो या तीन गाड़ी लगता था, आज एक गाड़ी फिलहाल तो देखने को मिल रहा है। बाकी सर से जानेंगे आज कितनी गाड़ी लगी है। कलर देख सकते हैं जी, कुछ इस तरह का कलर है जी माल में। हाँ जी सर जी, नमस्कार जी। नमस्कार जी। सर जी आज जो है क्या कुछ अराइवल है जी मार्केट में? सबसे मार्केट में कम है, 7-8 गाड़ी अराइवल है। अच्छा जी, इंदौर की है सब। इंदौर की 7-8 गाड़ी? हाँ जी। सर एरिया के हिसाब से एक बार गाड़ी बता दीजिए। आज खाली इंदौर ही इंदौर ही है बस। इंदौर इंदौर? हाँ जी। शिवपुरी वगैरह? शिवपुरी वगैरह है, शिवपुरी है, कोटपुतली है, सवाई माधोपुर है। अच्छा जी, शिवपुरी की कितनी गाड़ी है जी? शिवपुरी की अभी तक तो 8-10 गाड़ी आई है। अच्छा जी, सवाई माधोपुर? सवाई माधोपुर 3-4 पिकअप है। अच्छा जी, और ये रायपुर वाला? रायपुर कोई नहीं, आज कोटपुतली है, 1500 की कोटपुतली भी है। अच्छा जी, हाँ जी, कोटपुतली 1500 की रेट है जी। हाँ जी। और सर जी इसके अलावा हिमाचल वगैरह कोई नहीं है, सिर्फ इंदौर है बाहर का कोई भी टमाटर? अच्छा जी। और गिन्नारा से ये हाइब्रिड टमाटर? कोई टमाटर नहीं है, इंदौर की 7-8 गाड़ी जो भी है। अच्छा जी, बैलेंस में भी नहीं है सर? बैलेंस में भी कोई नहीं है। अच्छा जी, बैलेंस आज कितनी गाड़ी है जी? बैलेंस कोई गाड़ी नहीं आज। अच्छा, ताजा आ रहा है, ताजा माल है, 7-8 गाड़ी जो भी है ताजी है। अच्छा जी, 7-8 बड़ी है, बाकी कंटेनर है, सब छोटी है लोकल की। अच्छा जी, लोकल कितनी होगी सर अगर गाड़ियों में? आपको बताया 8-10 गाड़ी शिवपुरी है, लगभग 1500 कोटपुतली है। अच्छा अच्छा, और 4-5 पिकअप सवाई माधोपुर की। अच्छा जी, तो सर जी अपने पास ये जो नागलवारी का टमाटर आया जी, इसका क्या बाजार चला जी? ये साहू बीज है, ये 350 रुपए का। ये साहू है, ये 350 का। अच्छा जी, और इधर? और ये जो हिमसोना है ये 450-450 रुपए। हाँ जी, हाँ जी। अच्छा जी, कल से बाजार कुछ टाइट हुआ? कल से 10-20 रुपए बाजार ठीक है, उठाओ है, माल मार्केट में कम, माल कम है। अच्छा जी, और सर जी अभी फिलहाल जो है आज बैलेंस भी खत्म हो गया है। हाँ, पिछले एक हफ्ते से बैलेंस चल रहा था, एक हफ्ते में इतनी पिटाई हुई है किसानों की, आड़तियों की, तो इसलिए आज लोडिंग कम है, माल कम है। अच्छा जी, तो सर जी अभी जो रेट देखने को मिला और जो जितनी अराइवल देखने को मिल रहा है, तो आगे भी ऐसा ही आएगा या फिर अब बढ़ेगा जी? नहीं देखो, बढ़ने के तो चांस कम है, यही 400-500 की रेंज में बिक जाए यही बहुत है इस साल। अच्छा जी, और सर जी बात करें शिवपुरी वाले टमाटर का, उसका क्या बाजार चला जी? वो हर भाव का है, 200-300 जैसा माल है वैसे पैसे हैं। जमीन वाले 200 रुपए के भी हैं, तार बांस वाले 300 के भी हैं, 350 के भी हैं, 250 के भी हैं। अच्छा, जैसा माल है वैसे पैसे। और कोटपुतली सर जी? कोटपुतली बिक रहा है 150-250। 150-250। सवाई माधोपुर? सवाई माधोपुर 200-300। 200-300 रुपए। अच्छा जी, और सर जी रायपुर छत्तीसगढ़ आज क्यों नहीं आया? वो बंद हो गया नुकसान की वजह से, पिछले 4-5 दिन से बहुत तगड़ा नुकसान हुआ उनको। अच्छा जी, 400 की गाड़ियां खुलती थी, 400-450 की, 250-300 बिक्री थी। अच्छा जी, नुकसान की वजह से वो बंद हो गया। अच्छा, मतलब उधर जो प्रोडक्शन मंडी थी अजय जी, वहाँ उधर टाइट है। अच्छा, और सर जी अभी फिलहाल कहीं और भी मतलब? नहीं, अभी इंदौर ही चलेगा, अब ये 2 महीना इंदौर चलेगा। अच्छा, उधर का प्रोडक्शन मंडी कैसा है सर जी? इंदौर का जी अभी तो वहाँ स्टार्ट हुआ है, अभी तो और बढ़ेगा माल वहाँ। अच्छा जी, तो बाजार कैसा है सर, टाइट है उधर भी या फिर? हाँ उधर भी टाइट है, जगह पे टाइट है, महाराष्ट्र टाइट है, वहाँ से बॉम्बे जा रहा है। अच्छा जी, वहाँ से और जगह की लोडिंग हो रही है। अच्छा, और सर जी जो इंदौर का हाइब्रिड टमाटर है उसका क्या बाजार चला आज? वो बिका 400-500, अच्छे लाल माल। अच्छा जी, 400-500। उसका मीडियम टमाटर सर जी? मीडियम 300-350 जैसा माल है वैसे पैसा। अच्छा जी, तो हाइब्रिड में भी बाजार तेज हुआ या फिर? हाइब्रिड में बाजार तेज हुआ। अच्छा जी, मतलब दोनों टमाटरों में थोड़ा बहुत उठाव टाइट है जी। अच्छा, एक बार सर जी शॉप नंबर कॉन्टेक्ट नंबर बता दीजिए। दुकान नंबर 195-70-11-205-410 कमल वेजिटेबल कंपनी। धन्यवाद सर जी, वहाँ दिखा दो। दोस्तों अभी मौजूद हूँ शॉप नंबर 21 में JSC फर्म में। बाकी सर के पास जो आज शायद दो गाड़ी लगाए जी, एक देसी और एक हाइब्रिड टमाटर का। बाकी देखते हैं क्या बाजार चला है, कौन से एरिया का माल है। और ये तो मीडियम है जी, और इसका जो मोटा है इस एरिया के माल का, उसका क्या बाजार चला है। और हाइब्रिड में देख सकते हैं दोस्तों कुछ इस तरह का क्वालिटी आ रहा है जी मार्केट।
हाँ जी सर जी नमस्कार जी। नमस्कार जी, नमस्कार जी, बोलो भाई साहब। सर जी आज जो अपने पास कौन से एरिया का गाड़ी लगी है जी? दोनों ये सब इंदौर का है। इंदौर का है जी? हाँ जी। अच्छा जी, हाइब्रिड भी इंदौर है जी? हाइब्रिड भी इंदौर है। अच्छा, क्या बाजार चला जी आज? तो गाड़ी कम है मार्केट में। हाइब्रिड 500 रुपए तक बिक रहा है, 450 से 500 तक। अच्छा जी। और जो है ये साहू बीज है इंदौर का। अच्छा, मीडियम में है ये 270-280 रुपए चल रहा है। 270-280। और जो मोटा माल है सर जी इसका? मोटा माल 300 से ऊपर बाजार है, 350 तक है। अच्छा जी, साहू में। साहू। और जो हिम शिखर है सर जी? हिम शिखर 400 के लपेट में है, 400 से कम नहीं है। अच्छा, भी सकता 20-30 रुपए। तो अपने पास माल का डिमांड है, लेकिन हिम शिखर अपने पास नहीं है। अच्छा जी, साहू है जी? साहू है। अच्छा, तो मीडियम ही माल है अपने पास या मोटा है? अभी ये जो है पहले का माल, जो पहले का फसल था वो मीडियम हो जाता है। अच्छा, मीडियम चल रहा है। अच्छा, अब नया चलने वाला है। अच्छा, ये जो गाड़ी आई है अगेती फसल वाला है जी? ये पहले की है, जो लगभग 2 महीना चलते हुए। अच्छा जी, 2 महीना हो गया जी। ये इंदौर वाला फसल जो अभी स्टार्ट हुआ सर जी, ये नागलवाड़ी एरिया या कौन सा है जी? नहीं, हमारा बड़वानी एरिया। बड़वानी है जी? बड़वानी। अच्छा जी, तो ये सर जी ये बड़वानी का जो माल है ये कितने दिन चलेगा लगभग? अभी ये मार्च तक चलता है, पूरा मार्च। अच्छा जी, मार्च पूरा चलेगा जी। अच्छा, और सर जी आज जो है कौन कौन से एरिया से अभी फिलहाल आज जैसा कि गाड़ी कम देखने को मिला, तो टोटल आज शिवपुरी भी है। अच्छा जी। और इंदौर का भी माल आ रहा है, रायपुर भी है जी, और कोटपुतली का लोकल भी आ रहा है थोड़ा बहुत। अच्छा जी। हाँ जी। तो सर जी कोटपुतली क्या बाजार चला जी आपके पड़ोस में ही लगा हुआ है? कोटपुतली जो है लगभग चलो 200 रुपए से लेके 300 रुपए तक बाजार है। अच्छा जी, डिपेंड क्वालिटी पे करता है, जैसे माल है वैसे रेट। अच्छा, तो सर जी अगर बाजार देखा जाए कल से कितने रुपए टाइट है जी? कल से 50 रुपए टाइट है बाजार, लेकिन अच्छे माल का। अच्छे माल के, क्वालिटी वाला। अच्छा, माल कम भी है कल से, लगा के चलो कि 60 पैसे माल है। अच्छा जी, 40 पैसे कम। अच्छा, मतलब जो है 60% माल कम है जी? नहीं, 40% कम है, 60 पैसे माल है आज। अच्छा जी, 60 पैसे जी, 40% कम है। अच्छा अच्छा। हाँ जी, हाँ जी। तो सर जी कैसा बाजार रहने वाला है जी आने वाले? देखो आने वाला भविष्यवाणी देखो हम तो कर नहीं सकते, ऊपर वाले के हाथ में है जी कि कैसा बाजार रहेगा, क्योंकि फसलों का कोई पता नहीं होता। ऊपर वाला भी ज्यादा ठंड गिर जाए, कई एरिया खत्म हो जाए, भगवान ना करे किसी किसान का बेचारे खत्म हो जी। सब मेहनत करते हैं। बिल्कुल जी। लेकिन प्रभाव तभी पड़ता है जब फसल कम होता, मंडी में माल कम आएगा तो तेज होगा, मंडी में माल ज्यादा तो जी जी मंदा हो जाता है। बिल्कुल। तो अभी सर जी भविष्यवाणी करना गलत है जी। तो सर जी अभी जो फसल देखने को मिला, अभी कई एरिया जो चालू हुए हैं, जैसे इंदौर भी, अभी इंदौर का कई एरिया चालू है जी, है ना जी, रायपुर छत्तीसगढ़ चालू है। इंदौर जोर पकड़ेगा, इंदौर भी जोर पकड़ेगा आने वाले टाइम में, 15-20 दिन बाद अहमदाबाद भी चालू हो जाएगा। अच्छा जी। हाँ जी। और सर जी अभी जोर से जो है शिवपुरी भी आ रहा था, तो शिवपुरी अभी कितना दिन चलेगा लगभग? शिवपुरी अभी 1.5 महीना चलेगा, चलेगा। अच्छा जी। जो जमीन का फसल है नहीं, जो जमीन पे लगाते हैं। हाँ जी, हाँ जी। नीचे जो जाल पे एक लगता है, एक नीचे लगता है, नीचे वाला फसल लगभग खत्म होने पे है। अच्छा जी। और जो जाल पे लगा है वो अभी चलेगा, खींचेगा 1.5 महीने। 1.5 महीना चल जाएगा शिवपुरी। अच्छा, सवाई माधोपुर भी चल जाएगा। अच्छा, सवाई माधोपुर लगभग कितना दिन चलेगा सर? वो भी 1 महीने का ही होता है खेल, लगभग जमीन पे लगाते 1 महीने। अच्छा, एक बार सर जी शॉप नंबर कॉन्टेक्ट नंबर बता दीजिए। नंबर 21 है, गिरीश सिंह नाम है हमारा जी, और फोन नंबर 8 9 2 9 4 6 2 1 2 1। धन्यवाद सर जी। ओके सर।